थैंक यू सो मच। पापा आए हैं, मम्मी आई है, रज्जो यहीं रहती है मेरे साथ में, तो आए हैं वो हरियाणा से, तो बहुत ठंड है उस वक्त वहाँ पर हरियाणा में, तो यहाँ पर आए हैं वो लोग। अच्छा लग रहा है, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, एक साल हो गया था, मिल नहीं पाया था, कोविड था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि मैं बिज़ी हूँ तो जा नहीं पाया, कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो फाइनली मैंने ही बुला लिया कि आप लोग आ जाओ थोड़ा सा, 10-15 दिन 20 दिन एक महीने के लिए, जितने दिन भी रुकेंगे, तो आ गए। शूटिंग अच्छी लगती है आप? शूटिंग मेरा तो खुद करने को दिल करता है, शूटिंग करूँ। ठीक है। क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगे यहाँ आकर, और ये बहुत अच्छे लगे, रज्जो भी बहुत अच्छी लगी, राजवीर तो है ये बेटा, चिराग भी बहुत अच्छा लगा, मन सभी अच्छे लगे। मम्मी का फेवरेट ये है, चिराग और रज्जो है, मैं नहीं हूँ। आप तो होए हो, ये भी अच्छी, ये भी है और चिराग भी है, सारे अच्छे हैं, आप तो हो ही हो। हाँ रज्जो। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है वैसे जब भी पेरेंट्स आते हैं सेट पे, अच्छा लगता है ना, मतलब घर का एनवायरनमेंट यहाँ पे मिले तो। मुझे तो महीने हो गए अभी घर जाके, तो ज्यादा बोलूंगी तो अभी फिर से मेरे गंगा जमुना पहनने लगे। बहुत रोती है, बहुत रोती है। मेरे को तो पता ही नहीं था मैं एक्टर को जन्म दूंगी। बहुत खुशी हुई है अगर मैंने एक्टर पैदा कर रखा। गर्व है इस चीज का। क्या लेकर आएगा? मैं बेसन के लड्डू ले आई, गाजर का हलवा ले आई, हरा साग ले आई, मेथी ले आई काट कर, बतवा। आंखें बड़ी होती जा रही है। लड्डू तो मैंने रख लिए डब्बे। यस, ढेर सारा आशीर्वाद ले आई। इस सीरियल में सभी एक्टर बहुत ही अच्छे हैं और सभी का काम बहुत सराहनीय है। किसी को मैं ये नहीं कह सकता वो ऊंचा है ये डाउन है, नहीं, रज्जो काम तो वेरी नाइस है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक्चुअल जो एक्टिंग करनी चाहिए वही एक्टिंग की है। थैंक यू फैंस को, 6:30 आ गया है हमारा शो, तो दिस वी नीड मोर लव, मोर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस एंड कीप वाचिंग अस। और सब देखते हैं, मेरी सारी सहेलियां देखती, सारी इनको आशीर्वाद देने के लिए बोलिया है। आप किसी सहेली का नाम देना चाहोगे? हाँ, बिमला, बबली, सुनीता, सरोज। सारी सहेली मेरी सारियां खूब देखती है।